भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। YouTube की हमारी पहली पेमेंट आ चुकी है और शाम को कल 5 बजे के आसपास हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी। और ये कितनी पेमेंट आई है इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइन रहती है। तो सबसे पहले हम अपने कोचिंग के बच्चों का, बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हमारा वीडियो वॉच करते हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना यहाँ तक आना मुश्किल था। लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ दिया और स्टैनो का जो परिवार है उसमें करीबन 28,000 लोग जुड़ चुके हैं और इस परिवार को अभी हम लोगों को और भी बड़ा बनाना है। तो यहाँ तक जो हम आए हैं उसमें हमारी कैसी यात्रा रही है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। 2019 में एक लड़का है जो इस समय केंद्रीय सचिवालय में नौकरी करता है, उसने हमारा चैनल बनाया था और वो बोलता था कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं और इस पे आप इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम उस समय ज़्यादा विशेष कुछ कर नहीं पाए, फिर बाद में लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में हमको काफ़ी सोचने का मौका मिला कि हमने फिर निर्णय कर लिया कि अब हमको यूट्यूब पर काफ़ी आगे बढ़ना है। और फिर हमने रेगुलर डेली हम वीडियो डालते थे कि और जो जानकारी देते थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते थे कि वैकेंसी कौन सी आई है और क्या नाम है, टाइपिंग कैसे करनी है, स्टेनो को कैसे पढ़ना है, जो एसएससी की वैकेंसी आई है, एपीएस की आई है, सीआरपी, तो किस पे कैसे कैसे हम मेहनत भी करते थे कि कौन कौन सी डिक्टेशन हमको बच्चों को देनी है। और पुराना रिकॉर्ड भी देखते थे कि किसमें पत्रिका बोली गई है, किसमें न्यूज़पेपर बोला गया है, किसमें दैनिक जागरण का बोला जाता है या कोई निबंध बोला जाता है। तो इस तरीके से हम उस पर और भी मेहनत करने लगे और वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताने लगे तो बच्चों को भी लगने लगा कि हाँ ये हमको जानकारी अच्छी देते हैं और अब लोग हमसे जुड़ने भी लगे। तो ये हमारा पूरा सिलसिला रहा है और आज की डेट पर भी हम हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा ही दें। और हम इसमें यूट्यूब के माध्यम से हमको काफ़ी दूर दूर के भी बच्चे मिले, अदर स्टेट के बच्चे मिले और काफ़ी अच्छे बच्चे मिले हैं। तो उन सभी का बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद। और हम स्पेशली थैंक्स अपने कोचिंग के बच्चों को बोलना चाहते हैं कि हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन हैं, वो बाहर के लिए और हमारी कोचिंग के लिए बहुत यूनिक है, समझ लीजिए बच्चे, कि जितना सपोर्ट हमारी कोचिंग के बच्चों ने किया है और जितना हमारा फैमिली मेम्बर हमारा सपोर्ट करती है, समझ लीजिए हमको काफ़ी अच्छा लगता है अपनी कोचिंग में। और वो लोग हमारे बहुत क्लोज़ भी हैं तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और हमको अच्छा महसूस भी होता है उन लोगों के साथ। और बाकी उनके साथ अभी हम जब कोचिंग खुलेगी हमारी तो हम फिर पार्टी भी करेंगे, सब लोग बच्चों को मिठाई उठाई खिलाएंगे। और बाकी स्टैंडर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।